नमस्कार दोस्तों, वनडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के मुकाबले में 10 विकेटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में ही बिना कोई विकेट गवाए ही जीत हासिल कर ली। ये टी20 और वनडे वर्ल्ड कप मिलाकर पहली बार हुआ है कि भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुकाबला गवाया है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पार्टनरशिप कर दी और 152 रन जोड़कर पाकिस्तान की टीम को जीत दिला दी। इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया के उन 5 विलन से मिलवाएंगे जिनकी बदौलत टीम इंडिया को इतनी शर्मसार हार टी20 वर्ल्ड कप में झेलनी पड़ी है। टीम इंडिया के पहले विलन रहे रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा इस मुकाबले में पहली ही गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर LBW आउट हो गए। रोहित शर्मा मैच में खाता तक नहीं खोल पाए और पहले ही ओवर में चलते बने थे, जिससे टीम इंडिया को गहरा झटका लगा था। मैच के दूसरे विलन रहे KL राहुल। जी हाँ, KL राहुल ने इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 3 रन बनाए और पारी के तीसरे ओवर में ही क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौट गए। हाल फिलहाल के दिनों में KL राहुल ने जबरदस्त फॉर्म दिखाया था, लेकिन इस मुकाबले में वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, जिससे टीम इंडिया को दोहरा झटका लगा। मैच के तीसरे विलन रहे सूर्य कुमार यादव। KL राहुल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव से टीम को न सिर्फ अच्छी पारी की उम्मीद थी बल्कि सूझबूझ पारी की भी उम्मीद थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर हसन अली की गेंद पर मोहम्मद रिजवान को एक आसान सा कैच थमा बैठे थे। मैच के चौथे विलन रहे वरुण चक्रवर्ती। जी हां, इस मैच में वरुण चक्रवर्ती पर सबकी निगाहें थी और उम्मीद की जा रही थी कि एक स्लो विकेट पर वरुण चक्रवर्ती अपने स्पिन का जादू दिखाएंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे और 4 ओवर में 33 रन खा बैठे और इस दौरान एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। मैच के पांचवें और अंतिम विलन रहे मोहम्मद शमी। जी हाँ, एक लो स्कोरिंग मैच में मोहम्मद शमी से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद थी, ना तो वो शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी कर पाए और ना ही बाद में। 3.5 ओवर में वो 43 रन लुटा बैठे और इस दौरान उनकी इकोनॉमी 11 से ज़्यादा की रही। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने उनके खिलाफ जमकर रन बरसाए। तो ये थे टीम इंडिया के वो 5 विलन जिनकी बदौलत टीम इंडिया को इतनी शर्मनाक हार टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में मिली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।